अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं भी यहाँ पे रेडी होके बैठी हुई है। इसने भी अपने हाथों पे मेहंदी लगाई है, चूड़ियाँ पहनी है। हानिया, मेहंदी किसने लगाई है? नहीं। आपने? आपको आती है मेहंदी लगानी? हाँ। झूठी? मुझे आती है, तुम लोग को नहीं आती। वाह वही वाह। और ये देखें, ये मैंने मेहंदी अपनी खुद लगाई है। हाँ। ये तो ये और सबा भी लगाई है। आपकी सबा भी नहीं लगाई है और मैंने अपनी खुद लगाई है। तो अभी हमारी तैयारी चल रही है कहीं जाने की, घूमने फिरने की। तो अचानक से ही हमारा प्लान बनता है हमेशा, और आज भी ऐसे ही हुआ है कि अचानक से ही प्लान बना है हमारा जाने का। देखते हैं फिर अभी कहाँ का जाना होता है, चलते हैं फिर आपको भी अपने साथ लेकर। पहुंच गए हैं अपनी जगह पे, और लेकिन इतना रश है यहाँ पे, रश आप देख सकते हैं। हम लोग अभी यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे रश इतना रश है कि आधा पाकिस्तान यहीं आया हुआ है। अभी जगह ढूंढ रहे हैं बैठने की कहीं, लेकिन कोई भी जगह नहीं मिल रही, बस ढूंढ ही रहे हैं। अभी आधे ज़्यादा रात यहीं हो गई है, हमें गई है हमें बैठने की जगह। हेलो एवरीवन, बाय। क्यों आप बहुत लेट आई हैं? कोई बात नहीं, लेट ही हो ना यार। मैं ना आपको ज़रा व्यू दिखाती हूँ कि व्यू कैसा है यहाँ का। आप सिर्फ व्यू चेक करें, तो गाइस ये हमने बुक किया अपना प्राइवेट हट, बहुत मुश्किलों से मिला है लेकिन खैर मिल गया। ये हमारे खाने पीने की चीज़ें, बस रास्ते में जो मिला हमने उठाते गए और लेकर आते गए। जा रहे हैं अभी हम लोग पानी की तरफ, थोड़ी बहुत शाम हो गई है, रात होने वाली है, देखते हैं कि हम पानी में कितनी देर एंजॉय कर सकते हैं। सनसेट यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल, अभी थोड़ी देर 5 सेकंड पहले ही सूरज नज़र आ रहा था, लेकिन अब तो सूरज नज़र ही नहीं आ रहा। ये सबा और बारिश खेल रहे हैं, और आपको दिखाती हूँ मैं हानिया, ये देखें ज़रा हानिया क्या हाल कर दिया है इसने। पता नहीं आपको आवाज़ सही आ रही होगी या नहीं, ये हाल देखें इसका। तो हो चुकी है यहाँ पे शाम, बिक गए दाम।
यार एक ये डायलॉग है ना, तो जितना पानी में हमने नहाना था नहा चुके हैं, अब जाने की बारी है। घर तो नहीं जा रहे अभी, बस वहाँ पे जहाँ पे अम्मी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। सदाफ इतने दिनों से नहाई नहीं, आज खुलकर नहा लिया इसने। हो गया। एक तो ये रेत पे चलना इतना मुश्किल काम लगता है ना, कभी कभी इंसान जो है ना आधे रास्ते में ही थक जाए। हानिया और वारिस ने तो आज बहुत खुल के नहाया है, इन दोनों ने बहुत मस्ती की है और साथ साथ इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा थकाया भी है। हानिया तो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इतनी कह रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे बस जाना है, आगे जाना है मुझे, लेकिन उसको अकेला छोड़ भी नहीं सकते थे, क्या कर सकते हैं अभी। गाइस जिसने ईद का चांद नहीं देखा था वो ये देख लें। इस व्यू के साथ फ्रूट ओह मजे। शाम की तो अलग बात है, यहाँ से व्यू जो है, जिसने चांद नहीं देखा वो मुझे देख ले। मस्त कर लो सदा, क्या व्यू आ रहे हैं यार। हो चुके हैं यहाँ पे रात और हम जा रहे हैं घर की तरफ। इतना अंधेरा हो चुका है यहाँ पे कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दिखाती हूँ मैं, ये देखें बस जहाँ तक टॉर्च जा रही है वहाँ तक नजर आ रहा है, बाकी कुछ नहीं नजर आ रहा। तो चलते हैं अभी घर की तरफ। अब्बू के हाथ में बेचारे के हाल है सामान है और अम्मी उनके साथ साथ चल रही है, घर की तरफ जा रहे हैं। सो अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं गेट पे, 5-10 मिनट चलने के बाद अब जाके हम पहुंचे हैं यहाँ पे गेट पे। गेट पे थोड़ा बहुत रश हो रहा है। गेट पे थोड़ा बहुत रश है, वहाँ जहाँ पे हम लोग गए हुए थे वहाँ आगे की तरफ तो कुछ ज़्यादा ही। माशाल्लाह वाओ नाइस आंटी, नाइस नाइस शॉट। सो यहाँ गेट से बाहर आते ही यहाँ रेस्टोरेंट है इतने सारे, यहाँ इतने सारे रेस्टोरेंट बने हुए लाइन से और इन पे इतना रश हो रहा है, इतना रश हो रहा है। ये मैंने एक ले लिया अपने लिए। तो अभी आए हुए हम लोग एसी, अब भूख लगी थी मुझे, कुछ तो खाना ही था, अभी ऑर्डर देने आए हैं, देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। सो आ गया है हमारा ऑर्डर, चलते हैं लेके फिर घर की तरफ। तो ले लिया अभी हमने अपना ऑर्डर, अब चलते हैं घर की तरफ क्योंकि अम्मी अबू बाहर वेट कर रहे हैं हमारा कि कब हम ऑर्डर लेके आएंगे और कब हम जाएंगे घर की तरफ। सो गाइस कल रात मैं घर आ गई थी, हमने खाना वाना खा लिया था सब कुछ और मैं बहुत थकी हुई थी, इस वजह से व्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा अभी एंड कर देती हूँ व्लॉग को। उम्मीद है आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, पता नहीं व्लॉग कैसा बना है लेकिन बताइएगा ज़रूर कि आपको व्लॉग देख कर कैसा लग रहा है। बाकी अगर आपको कुछ सजेशन देना हो कमेंट में तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग बताइएगा कि क्या बनाऊं और कैसे बनाऊं। कोई चैलेंजेस करने हो तो वो भी बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।